सर, मैं आज पत्रकारों द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जो है खरगोन शहर के पत्रकारों ने आज एकजुटता दिखाई और प्रथम वर्ष जो है श्रावण माह में भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से मेल डेरेश्वर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई, इसमें खरगोन शहर के समस्त पत्रकारों ने जो है इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ में जो है हम शहरवासियों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है पत्रकारों का स्वागत किया और आने वाले वर्षों में जो है इस यात्रा को और भव्य बनाया जाएगा। शहर में जिस प्रकार से आज उत्साह का वातावरण दिखाई दिया, क्योंकि वर्तमान में जो है सावन माह चल रहा है और पूरे शहर में जो है पत्रकारों द्वारा एक धर्ममय भक्ति के साथ में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई और उसमें सबसे खास विशेषता यह थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम समाज के साथ साथ में सभी पत्रकार साथी इसमें शामिल हुए और इसके अलावा हम जो है खरगोन शहर के व्यापारी, राजनीतिक, धार्मिक और विभिन्न संगठनों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने जो है हमारे पत्रकारों का स्वागत किया। प्रथम वर्ष था, आगामी वर्षों में इसी प्रकार से क्या निकाली जाएगी कांवड़ यात्रा? अगले साल जो है पत्रकारों की भव्य कांवड़ यात्रा जिला मुख्यालय पर निकलेगी, उसमें पूरे जिले भर के पत्रकारों को इसमें आमंत्रित किया जाएगा ताकि जो है भव्यता के साथ में जो है यह कांवड़ यात्रा निकाल सकें हम। क्या नाम लिखते हैं? शशिकांत शर्मा, खरगोन। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों द्वारा आज श्रावण मास जो अधिक मास के रूप में भक्तिभाव से मनाया जा रहा है, एक नई पहल जहाँ तक मैंने देखा या सुना है, पहली बार खरगोन के पत्रकार बंधु एक कांवड़ यात्रा इस क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, हर व्यक्ति की, भारत माता की उन्नति के लिए जो ये यात्रा निकल रही है, मैं उसकी सबको बधाई देता हूँ और बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करे और इस क्षेत्र को स्वस्थ रखे, सुखी रखे और खूब समृद्धि आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।